गुड मॉर्निंग हरियाणा में आज आपको लेकर हम चल रहे हैं झज्जर। यहाँ के टाउन पार्क में पिछले कई सालों से लोग अपने आप को फिट रखने के लिए पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह घर से निकलकर ताजी हवा के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पहुंच रहे हैं। पार्क में बुजुर्गों और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा होती है। कोरोना काल के बाद पार्क में लोगों की संख्या में काफी इजाफा भी नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग जी और गुड मॉर्निंग झज्जर। गुड मॉर्निंग जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं झज्जर के टाउन पार्क पे। जिस तरह से झज्जर शहर के लोग, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार ये लोग योगा कर रहे हैं। फिट रहने के लिए योगा किया जा रहा है। सुबह सुबह ये सभी लोग, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, सुबह योगा कर रही हैं। अलग अलग प्रकार के योगा किए जा रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तमाम बुजुर्ग, तमाम महिलाएं, युवा, बच्चे सब योगा कर रहे हैं। आप इधर देखेंगे साइड में, तो इधर भी कुछ लोग योगा कर रहे हैं। तो सुबह की शुरुआत आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग जी में योगा के साथ, अपने आप को फिट रखने के लिए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे कि वो अपनी शुरुआत कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप लोग आए हैं सुबह की शुरुआत योगा के साथ, तो अपने आप को फिट करने के लिए कब से आप लोग योगा कर रहे हैं और कैसे फिट रहा जा सकता है, कैसे समझेंगे? जब से मोदी जी ने 21 जून को योगा दिवस के रूप में पूरा इंटरनेशनल डे किया है, जब से हमारे को ज़्यादा मोटिवेट किया, तो जब से हम कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। कितने प्रकार के योगा करते हैं और कितनी तादाद में लोग यहाँ आते हैं? तकरीबन 1 घंटा योगा यहाँ जब से चल रहा है, और तकरीबन 50 के आसपास लेडीज, 20 के आसपास जेंट्स होते हैं। सभी लोग जब से योगा कर रहे हैं, और संख्या बढ़ भी जाती है छुट्टी वाले दिन। तो फिट रहने के लिए आप योगा करते कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं तो 25 साल से योग कर रहा हूँ, 85 साल की मेरी उम्र है और योग की वजह से फिट हूँ। 85 अंकल जी की उम्र है और लगातार पिछले 25 साल से ये योगा कर रहे हैं और अभी तक फिट है। इधर आप तस्वीरों देखेंगे, तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, वो भी योगा कर रहे हैं और लगातार ये लोग फिट रहने के लिए हर रोज योगा करते हैं। आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक फिट इंडिया और अपने आप को फिट रखने के लिए योगा की जो ज़रूरत है, वो वाकई में ही लगातार ये लोग यहाँ कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी के इस कार्यक्रम में कुछ महिलाएं हैं, उन्हीं से जानेंगे कि योगा जो ट्रेनर है, ये इनके ट्रेनर हैं और ट्रेनर से ही पूछते हैं, जी कब से कर रहे हैं आप योगा और कैसे इन लोगों को बताते हैं कि योगा करने फिट रहने के लिए अपने आप? हम इसको करीब 1.5 महीने के करीब हो चुका है और हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। मैं तो खुद हाथ पैरों से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, हाथों के जोड़ और पैरों के जोड़ बिल्कुल काम करना बंद कर गए थे और यहाँ पंतजलि वालों ने लगाया था, अपने रांगड़ा साहब ने, तो अभी सभी बच्चों ने बड़े प्यार से करते हैं, डेली आते ही है। कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने लोग आते हैं? अभी कभी संख्या बहुत ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभी, जैसे कल माउस थी तो माउस में संख्या कम थी, और आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, जिसको जितना टाइम होता है। योग करते हैं बड़े बूढ़े जो भी, उनको भगवान भी प्यार करता है और उसका दिमाग भी अच्छा रहता है और वो देश के लिए भी अच्छा सोचता है। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि जो योगा करता है वो न केवल फिट रहता है बल्कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और अपने आप में उनका एक जो मन है वो भी शांत रहता है। तो लगातार ये लोग झज्जर में फिट रहने के लिए, अपने आप को अच्छे से फिट रखने के लिए योगा करते थे। गुड मॉर्निंग जी के इस कार्यक्रम में आज हमने आपको दिखाया कि झज्जर में किस तरह से लोग योगा करते हैं। आप तस्वीरों में फिर मैं दिखाना चाहूँगा, लगातार हर वर्ग के लोग आपको मिलेंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान। झज्जर के टाउन पार्क की ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि लगातार इधर एक बुजुर्ग माता भी किस तरह से लगातार जो है व्यायाम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है और हम भी लगातार इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे और उनको इस तरह से हम फिट रहने के लिए हम भी अवेयर करते रहेंगे। संजीत खन्ना, जी मीडिया, झज्जर।